राहुल प्रियंका के बीच सब सही नहीं है। आम भाई बहन जैसे नहीं है राहुल प्रियंका। प्रियंका का काम राहुल को इनाम। राहुल के इशारों पर नाच रही प्रियंका। इस देश की राजनीतिक पार्टियों में चल रहे परिवारवाद पर बीजेपी अक्सर हमलावर दिखाई देती है। जितनी भी परिवारवाद की पार्टियां हैं सब बीजेपी के निशाने पर हैं। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो और ऐसी ही और भी कई पार्टियां हैं, लेकिन कांग्रेस पर तो बीजेपी की नजर बिल्कुल टेढ़ी रहती है। इसी कड़ी में बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ा दिया और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रिश्ते को लेकर एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में दोनों में फूट पड़ी हुई है ऐसा खुलासा किया गया है। नमस्कार, RMF न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। बीजेपी के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें बताया गया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच के रिश्ते कुछ सही नहीं चल रहे हैं। इस वीडियो में बताया गया कि राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी से राखी भी नहीं बंधवाई, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने इस वीडियो का, इन दावों का खंडन करते हुए कहा है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी से सिर्फ राखी ही नहीं बंधवाते बल्कि पूरा साल उस राखी को बांधे भी रखते हैं। लेकिन बीजेपी ने जो वीडियो शेयर किया गया है उसमें बीजेपी ने अपने दावों से ये साफ दिखाने की कोशिश की है कि कई मौकों पर और कई जगह सार्वजनिक मंचों पर भी ऐसा देखा गया है कि भाई बहन के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। आम भाई बहन जैसा नहीं है रिश्ता। बीजेपी ने जो वीडियो जारी किया है उसमें दावा किया गया है कि दोनों के बीच का रिश्ता आम भाई बहन जैसा नहीं है। मेरे बड़े भाई, इन्हें देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। मीडिया में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हमेशा से ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनके बीच के रिश्ते कितने घनिष्ठ हैं। लेकिन क्या वाकई इन दोनों भाई बहन का रिश्ता एक आम भाई बहन जैसा है? अगर ध्यान से देखें तो ऐसी कई चीजें सामने आती है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे एक चुनावी रैली के दौरान मंच पर मौजूद सभी नेता जनता का अभिवादन कर रहे हैं। राहुल प्रियंका भी जनता का अभिवादन कर रहे हैं, लेकिन दूसरे हाथ से राहुल प्रियंका का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रियंका अब उनका हाथ झटक देती है। एक वाक्य और दिखाया गया है जब राहुल भरे मंच पर प्रियंका को किस करते हैं और प्रियंका अनकंफर्टेबल नजर आती है। ऐसी घटनाओं के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है कि जब दोनों मंच पर जनता के बीच होते हैं तो परिवार में सब कुछ सही होने का दिखावा करते हैं, लेकिन असल में परिवार में फूट पड़ी है और सोनिया गांधी भी राहुल को ज्यादा तवज्जो देने की कोशिश करती हैं। साथ ही पारिवारिक फूट के भी उदाहरण दिए गए हैं। तेजस्वी तेज प्रताप में जंग, अखिलेश शिवपाल में जंग, शरद पवार अजीत पवार में जंग, सुप्रिया सूले और अजीत पवार में जंग। क्या इसी तरह से राहुल और प्रियंका भी पर्दे के पीछे दुश्मन बने बैठे हैं, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि प्रियंका का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए या फिर चुनाव जिताने के लिए किया जा रहा है। प्रचार प्रियंका करेंगी लेकिन सेहरा राहुल बांधेंगे। वीडियो में दावा किया गया है कि राहुल गांधी औपचारिक रूप से 2019 में राजनीति में आए, लेकिन प्रियंका गांधी राहुल से बहुत पहले से दादी इंदिरा गांधी की साड़ी पहनकर चुनाव प्रचार करती आई हैं। राहुल को लड़ने के लिए सुरक्षित सीट दी जाती है और प्रियंका गांधी को मोदी के सामने उतारने की बात कही जा रही है, जहां मुकाबला एक तरफा होने वाला है। राहुल को जब अमेठी में खतरा दिखाई देता है तो वायनाड जैसी सुरक्षित सीट राहुल गांधी को दे दी जाती है। वीडियो में ये भी दावा किया गया है कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में प्रियंका गांधी ने 28 से ज्यादा रैलियां की, पार्टी की जीत में अहम भूमिका निभाई। इसके उलट राहुल गांधी 39 चुनाव में कांग्रेस की हार सुनिश्चित कर चुके हैं। इसके बाद भी सारा क्रेडिट राहुल गांधी को ही दिया जाता है। प्रियंका को बनाया जा रहा बलि का बकरा। जिस वक्त राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे उस वक्त प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार करने में जुटी थी। दोनों राज्यों में जीत का सेहरा राहुल गांधी के सर बांधा गया। इतना ही नहीं, कर्नाटक में जिन चुनावी वादों को जनता के सामने रखकर चुनाव जीता गया, जब वो उनकी पूरी करने की बारी आई तो एक गृहलक्ष्मी योजना को पूरा करने के लिए राहुल गांधी कर्नाटक में जाकर गृहलक्ष्मी योजना का शुभारंभ करते हैं। हिमाचल प्रदेश हम जीते हैं, मैं धन्यवाद उनको भी करता हूं जो प्रियंका गांधी जी ने और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा वो भी इसमें हमको मदद की है।
तो क्या इसी वजह से प्रियंका गांधी ने कर्नाटक के मंच पर राहुल का हाथ झटक दिया था? इस वीडियो में ऐसा भी दावा किया गया है कि कहीं कांग्रेस को ये डर तो नहीं है कि अगर प्रियंका को राहुल के बराबर का दर्जा दे दिया गया या फिर प्रियंका गांधी को राहुल गांधी से ज्यादा तवज्जो दे दी जाती है तो फिर प्रियंका गांधी राहुल पर भारी पड़ सकती है। और इस बारे में आचार्य प्रमोद कृष्णम कई बार आवाज भी उठा चुके हैं। नेताओं के मिलने से मोदी नहीं हारते हैं, नेताओं के मिलने से जनता नहीं मिलती है, कई चुनाव में आपने देखा। तो मैं विपक्ष को अपील करना चाहता हूं कि अगर वो सच में ईमानदारी के साथ मोदी को हराना चाहते हैं तो प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। जब राहुल जी नहीं बनेगा, सबसे बेहतर कैंडिडेट तो प्रियंका जी है, और मैं कंसेंसस से हो या चुनाव से हो, मैं चाहता हूं प्रियंका जी अध्यक्ष बने। यहाँ सवाल ये उठता है, क्या कांग्रेस के दिमाग में ऐसा चल रहा है कि प्रियंका राहुल से ज्यादा काबिल हैं और इसलिए ही अब तक हुई विपक्ष की तीनों बैठक में प्रियंका को नहीं ले जाया गया। पार्टी प्रवक्ता तक को इन बैठकों में ले जाया गया लेकिन प्रियंका गांधी को नहीं ले जाया गया। वहीं जब प्रचार की बात आती है तो प्रियंका गांधी को आगे कर दिया जाता है और उनसे खूब चुनाव प्रचार करवाया जाता है, और चुनाव की जिम्मेदारी अगर दी जाती है तो उन राज्यों की दी जाती है जहां बीजेपी की पैठ मजबूत होती है। जैसे यूपी की देख लीजिए, यूपी की कमान प्रियंका गांधी को दी गई थी लेकिन बहुत बुरी तरीके से वहां कांग्रेस पार्टी हार गई। और अब मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को सौंपने की बात कही गई है जहां बीजेपी मजबूत स्थिति में है और वहां बीजेपी की ही सरकार है, और राहुल को छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी गई है जहां कांग्रेस की सरकार है। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि प्रियंका को सिर्फ बलि का बकरा बनाने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है? प्रियंका को तवज्जो नहीं और राहुल का प्रचार। इस वीडियो में दावा किया गया है कि जब प्रियंका ने 100 किलोमीटर लंबी गंगा यात्रा की थी तो उस यात्रा का किसी ने प्रचार नहीं किया, उस यात्रा का किसी ने ट्विटर तक पर जिक्र नहीं किया गया। उस वक्त राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे लेकिन किसी ने भी जिक्र नहीं किया, खुद राहुल गांधी ने भी नहीं किया। और जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात आती है तो इस तरीके से उस यात्रा का प्रचार किया जाता है जैसे वाकई में भारत टूटा हुआ था और राहुल गांधी ने ही हिंदुस्तान को जोड़ने का काम किया। अब जब इतने गंभीर आरोप लगाए गए हैं तो फिर कांग्रेस की तरफ से भी जवाब आना लाजमी था। कांग्रेस की तरफ से जवाब देने के लिए सामने आई सुप्रिया श्रीनेत। बीजेपी के इन दावों को खारिज करते हुए कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सभी परिवार बीजेपी के समान नहीं होते हैं। हाथ में राखी बांधे हुए राहुल की एक फोटो भी उन्होंने ट्वीट की, और इस फोटो को ट्वीट करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है, भाजपाई चरण चंपको, तुम्हारे आका परिवार छोड़कर भाग गए, इसका ये मतलब थोड़ी है कि सारे परिवार ऐसे ही हैं, कभी मुद्दों पर भी बात कर लिया करो। अब कुंठित होकर राहुल जी ने राखी नहीं बंधवाई, झूठ प्रचारित कर रहे हो। दोनों भाई बहन ने तुम्हारी झूठ और नफरत के बाजार के खिलाफ जो जंग छेड़ी है उससे बौखलाहट स्वाभाविक है। चौमुह आंख और दिमाग दोनों का इलाज कराओ। राहुल जी ने न सिर्फ राखी बंधवाई है बल्कि वो पूरे साल उस राखी को बांधे रखते हैं। सुप्रिया श्रीनेत के बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस पर जवाब दिया। उन्होंने वीडियो की निंदा करते हुए लिखा, बीजेपी हैंडल के द्वारा शेयर किए गए वीडियो की भाषा और सामग्री से पता चलता है कि स्क्रिप्ट लिखने का काम और प्रोडक्शन ट्रोल्स कंपनी ने लिया है। इस बात पर दया आती है कि भाजपा सत्ता में बने रहने की अपनी हताशा के लिए किस स्तर पर जा सकती है। बीजेपी की तरफ से जो वीडियो शेयर किया गया है और उसमें जो दावे किए गए हैं, हम उन दावों की पुष्टि तो नहीं करते क्योंकि भाई बहन के बीच कोई तकरार हुई है अभी या कभी पहले, ऐसी कोई खबर आज तक नहीं है सामने आई है। लेकिन आपको क्या लगता है कि कांग्रेस में प्रियंका को वो ओहदा नहीं मिल रहा जिसकी वो हकदार हैं, या फिर पार्टी सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए प्रियंका का इस्तेमाल कर रही है और प्रियंका के इस्तेमाल से राहुल को सीढ़ी चढ़ाने का काम किया जा रहा है? इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर दें। नमस्कार।